व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, और एक और नया दिन, एक और नई कहानी। आज हम कुछ खास तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कल इतनी बारिश हुई है गुड़गांव में कि मैं बता भी नहीं सकता आपको क्या हाल है। देखिए, हमारे साथ बने रहिए और पूरी कहानी देखिए। आज का दिन हम क्या ही बताएं आपको, मतलब आज हम ऑफिस भी नहीं जा पाए क्योंकि हालत इतनी ख़राब है, ना सुबह से लाइट है ना सुबह से पानी है। चल रही है ज़िंदगी, क्या कर सकते हैं, खड़े हैं अपने सोसाइटी के बाहर काम करवाने में लगे हुए आज। ये देख सकते हैं, ये हमारी सोसाइटी के बाहर की रोड है, ये हमारी सोसाइटी का मेन एंट्रेंस, और ये देखिए ये सारी रोड है हमारी सोसाइटी की। ये देखिए ट्रैक्टर बुलाया है पानी के लिए। ये देख सकते हैं सारा पानी ही पानी भरा हुआ है यहाँ पे। इतना ज्यादा पानी था कल सोसाइटी में कि सबने इंटो में गाड़ी खड़ी की हुई है क्योंकि गाड़ी तैरने को हो रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गाड़ी इंटो पे खड़ी हुई सारी। ये देखिए ऐसे सोसाइटी से ले जाके पानी ये ऐसे खाली कर रहे हैं, और हालत बहुत ही बुरी है रोड की। ये देखिए ये असली हीरो हैं जो कल पूरी रात से लेके अभी तक लगे हुए हैं काम में। सर कैसे मेहनत करी आपने इतनी? मैंने सर बाल्टी से पानी निकाला पूरी रात पूरे दिन। यही है असली असली हीरो हमारे, यही है। ये तो दवाई खा के बैठे हुए हैं, इनके पास इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ दी हुई है, फिर भी ये काम पे लगे हुए हैं। तो अब हम निकल चुके हैं अपने दिल्ली के लिए क्योंकि गुड़गांव में ना पानी है ना लाइट है, आपको पता ही है, कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। अभी लगता है एक दो दिन तक लाइट भी नहीं आएगी क्योंकि हमारा सारा इलेक्ट्रिक पैनल है जो वो डूब चुका है पानी में। तो अब हम निकल चुके हैं दिल्ली में अपने घर, दिल्ली वाले घर के लिए। तो अब तो दो तीन दिन वहीं रहेंगे, वहीं से ऑफिस जाएंगे, जर्नी आपको हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। और ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली। ये देख सकते हैं मेरी थंडरबर्ड, ये दिल्ली में खड़ी हुई है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। चलिए चलते हैं, थोड़ा काम काज चल रहा है यहाँ पे, पेंट का काम चल रहा है, पर हमें बस कोई ऑप्शन नहीं था गुड़गांव से दिल्ली आने के अलावा क्योंकि पानी ही नहीं है। तो अब क्या करोगे, ना लाइट है ना पानी गुड़गांव में, तो पेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। तो अभी दो तीन दिन तो हम यही रहने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा खाना खा लेते हैं। चिकन बना है, राजमा बनी है, आलू करेला है और फिश है। अभी हम दिल्ली में ही हैं जैसे आप देख रहे हैं, आपको बता दिया था हमने, रात हो गई है। और अब अगर हम दिल्ली आए हैं तो अपने स्कूल के दोस्तों से तो मिलेंगे। कितना टाइम बाद मिल रहा हूँ, अब चलते हैं हम उसके बाद। वो बाहर आ गया है, फिर मिलते हैं हम, आगे बात करेंगे। ये देखिए यही वो इंसान है जिसने स्कूल से मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, और अब हम जा रहे हैं इसके साथ। देखते हैं क्या करेंगे, जो भी होगा आपको बता देंगे। थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद खाना खा कर सो जाएंगे, सुबह ऑफिस है। तो जैसे भी चल रहा है, देख सकते हैं इसका नाम प्रतीक शर्मा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए गाइस, हो गया है हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। आज हम दिल्ली थे तो हम बाहर गए थे अपने दोस्त के साथ, तो ज़्यादा ब्लॉग हम नहीं कर पाए। तो आज का ही पूरा ब्लॉग जो था हमारा यही था कि गुड़गांव में इतना पानी बह गया है और मतलब हम वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, तो हम दिल्ली आ गए हैं। अब कल सुबह ऑफिस निकलेंगे यहाँ से और अभी दो तीन दिन तक अप डाउन करेंगे गुड़गांव से दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अलविदा।